फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज देखो एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, मिल्क केक। तो मैंने 2 किलो दूध चढ़ा दिया है और इसको ये जब आधा हो जाएगा, पहले इसको आधा करना है। और आप लोग भी ऐसे कोई भारी तलहट जो होता है इसका, बाहरी तले की कढ़ाई लेना और वो भी लोहे की, उसमें ये अच्छा बनता है। बाकी सबका अगर आप सिल्वर की या स्टील में लगाओगे दूध तो उसमें थोड़ा फ्लेवर अलग थोड़ा हो जाता है। तो इसमें भारी ही बर्तन है, वो भी लोहे की आयरन की। अब देखो ये आधा हो गया है और अब थोड़ा सा इसमें डालूंगी, थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग ये नींबू रस है। आप चाहें तो फिटकरी भी डाल सकते हैं, और एक आता है सेट्रिक आता है वो भी डाल सकते हैं, बट मैं ये डालूंगी नींबू रस। तो इसमें थोड़ा दानेदार बन जाएगी मिल्क केक, दानेदार बने तो भी अच्छी लगती है। हल्के हल्के दाने आ रहे हैं, वो दाने आ जाएंगे इसमें। अभी दिखाती हूँ, अभी थोड़ा और इसको गाढ़ा करना है मुझे, फिर इसमें चीनी डालूंगी। और मैं तो चीनी कम खाती हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। अब 2 लीटर में आप लगभग 350 ग्राम डाल सकते हैं चीनी, बताती हूँ आपको। अब देखो ये इतना हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी थोड़ी करके चीनी, एक साथ चीनी ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके डालें, जब ये घुल जाए उसके बाद दूसरी बार डालें, जब ये घुल जाएगी उसके बाद डालूंगी मैं। तरीके से हूँ, और अगर ज्यादा डालते हैं तो अच्छा, 300 ग्राम डालें तो उसके हिसाब से ये बढ़ चुकी है। अब इसमें मैं घी भी डालूंगी, घी सॉफ्टनेस के लिए बहुत जरूरी है, सॉफ्ट बनेगी बहुत। तो करीब 100 ग्राम घी डाल दूंगी, और ये उछलेगा ना, अभी ये उछलेगा तो उछलना भी घी से बंद होता है, थोड़ा कम करता है उछलना। देखो इसमें 8 इलायची है, 8 इलायची कूट ली है, और उनका ये पाउडर है, अब इसमें डाल देंगे। अभी लगभग ये तैयार हो चुका है, अभी कम से कम 10 मिनट और लगेंगे इसे गाढ़ा कर लेंगे, और थोड़ा गाढ़ा कर। अब मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ, घी लगा लेती हूँ, जिसमें मैं इसको जमाऊंगी। मेरे पास ऐसा है नहीं तो मैं इसी में केक को जमाऊंगी। आप गहरा हो, थोड़ा गहरा हो उसी में सही रहती है, लेकिन थोड़ी मोटी होती है तभी अच्छी लगती है बाजार जैसी। और आज बन रही है अलवर की मिल्क केक, जैसे अलवर में मिलती है, हमारे दिल्ली के दिल्ली के पास है अलवर, और वहाँ की केक बहुत ही अच्छी होती है। ऊपर तक आएगा वहां तक इसको हम ग्रीस करेंगे घी लगाकर। देखो मैं इसमें निकाल लेती हूँ, इसको जब ये सारा इसमें सेट हो मतलब कर दूंगी अभी, उसके बाद इसको फॉइल से लगाऊंगी, या फिर आपके पास कोई एयर टाइट हो वो रख देना, फिर फॉइल मत लगाना। अगर आपके पास एयर टाइट कुछ डब्बा या कुछ ऐसा है तो, मेरे पास अभी एयर टाइट ऐसा नहीं है।
इसको, फॉइल सिल्वर फॉइल से कवर कर दूंगी ऊपर से। अब इसमें फॉइल लगा के इसको मैं कोई टॉवल हो या कोई भारी कपड़ा मतलब जैसे होता है उसमें इसको कवर करके 4-5 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये गर्म बना रहे। अवन या कोई बस एक कोने में रख दो, अवन में मत रखना। तो मैं अब इसको इसमें कवर करके रख दूंगी चादर, अब मैं इसमें रखूंगी ताकि ये 4-5 घंटे तक इसमें आराम से ओवरनाइट के लिए रख दो या फिर रख दो 4-5 घंटे के लिए। तो अभी 4-5 घंटे के लिए मैं रख देंगे उसको कवर करके एक कोने में। अब देखो फ्रेंड्स मेरी मिल्क केक बन गई है। देखो 5 घंटे मैंने अलग कोने में रख दिया था, ढक के इसको कपड़े में लपेट के, और अब देखो मेरी मिल्क केक बनकर तैयार है। और आप भी इसे जरूर बनाना ट्राई करना। और तबीयत खराब में मैंने बनाई है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बनता है, प्लीज प्लीज फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ, देखो कितना सॉफ्टी सॉफ्टी हो रहा है। देखो और ये ना एकदम बाजार जैसी, तो एक लाइक तो बनता है ना, खा लो खिला रही। तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। एक छोटी सी घंटी है उसको वैसे ही दबा दो खच्चा। धन्यवाद।